नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। फिल्म RRR ने थिएटर में रिलीज होते ही धूम मचा दी है। रामचरण और जूनियर NTR की इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। साउथ की इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आई हैं। आलिया ने फिल्म का जमकर प्रमोशन भी किया था। वहीं अब खबर आ रही है कि आलिया भट्ट फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली से नाराज हो गई हैं। इस वजह से आलिया ने SS राजामौली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, आलिया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर फिल्म से जुड़ी सारी पोस्ट भी डिलीट कर दी है। आलिया भट्ट ने फिल्म RRR का खूब प्रमोशन किया था। वो कई इवेंट्स में रामचरण, जूनियर NTR और SS राजामौली के साथ नजर भी आई थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि आलिया फिल्म के डायरेक्टर से नाराज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक RRR में कम स्क्रीन स्पेस मिलने से आलिया नाराज हो गई हैं। इसी वजह से उन्होंने फिल्म से जुड़े तमाम पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा दिए हैं और उन्होंने डायरेक्टर SS राजामौली को भी अनफॉलो कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आलिया भट्ट ने SS राजामौली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर देखा जाए तो वो आज भी राजामौली को फॉलो करती हैं। इतना ही नहीं, आलिया ने अपने इंस्टा स्टोरी पर फिल्म RRR का एक पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें रामचरण और जूनियर NTR एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर के अलावा आलिया के इंस्टा अकाउंट पर RRR से जुड़ा एक भी पोस्ट नहीं है। ऐसे में आलिया सच में SS राजामौली से नाराज है या नहीं, ये तो वही खुद बता सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो खबरें यही हैं कि वो उनसे नाराज हो गई हैं। RRR आलिया भट्ट की पहली साउथ फिल्म है। इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस ने साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। आलिया ने इस फिल्म में सीता का किरदार निभाया है। हालांकि इस किरदार में आलिया ज्यादा मजबूत नजर नहीं आई। फिल्म में भी आलिया के सीन्स ज्यादा नहीं दिखाई दिए। ऐसे में आलिया की वो दमदार छवि इस फिल्म में दर्शकों को देखने को नहीं मिली जो हिंदी फिल्मों में देखने को मिलती है। जैसे हाल फिलहाल में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में उनका किरदार शानदार था। RRR सिनेमाघरों में 25 मार्च को रिलीज हुई और महज 3 दिनों में ही इस फिल्म ने शानदार कमाई का आंकड़ा सेट कर दिया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म को लेकर जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई ऐसे ही बढ़ती जाएगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने RRR देख ली है तो आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं।